आज मैं डिफिनेट इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट का नया सम लेकर आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। I इक्वल टू अपर लिमिट 9 है और लोअर लिमिट 3 है, रूट 12 माइनस एक्स अपर रूट एक्स प्लस 12 माइनस एक्स। इसमें यूज बी टू ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, ये होता है फंक्शन ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। यहां पे एक्स है, वहां पे हम ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स डालते हैं। आई इक्वल टू 9 3 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स के प्लेस पे 9 प्लस 3 माइनस एक्स अपन रूट एक्स, 9 प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 12 माइनस 9 प्लस 3 माइनस एक्स डी एक्स। इसको बोल लेते हैं, ये हो गया आई इक्वल टू 9 3 12 माइनस 12 प्लस एक्स अपन 12 माइनस एक्स, 12 माइनस 12 प्लस एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 9 3 ये 12 कैंसिल हो गया, एक्स रिमेन हुआ और ये हो गया रूट 12 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। इसको टू लेते हैं, एडिंग 1 and 2 बी गेट I प्लस आई 9 3 रूट 12 माइनस एक्स अपन रूट 12 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स प्लस 9 3 रूट एक्स अपन रूट 12 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। टू आई इक्वल टू 9 3 सेम वैल्यू हो जाएगा रूट 12 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अपन, ये सेम है रूट 12 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, ये कैंसल होगा। टू आई इक्वल टू 9 3 ये हो गया डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन आ गया एक्स। टू आई इक्वल टू आप लिमिट पुट करेंगे 9 3 टू आई इक्वल टू 6 आई इक्वल टू 6/2 आई इक्वल टू 3। ये रहा आज का हमारा वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।